अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी हर दिन की तरह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। जो जी, आज मौसम बहुत ही प्यारा है और सुबह सुबह का टाइम है अभी, और जी बारिश हो रही है। वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड की है पहले दिन इससे, मतलब एक दिन पहले, और वॉइस ओवर जिस टाइम मैं अभी कर रही हूँ तो मतलब उसी टाइम ही बारिश हो रही है, और बहुत ही प्यारी बारिश हो रही है। और यकीन कीजिएगा इतना मौसम अच्छा हो गया है, कल का मौसम बहुत अच्छा हो गया था बारिश की वजह से, और आज कल हल्की हल्की 14 अगस्त को हल्की हल्की हुई थी और आज 15 है, तो आज जो है आज भी सुबह सुबह के टाइम बारिश स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ पालक, पका रही हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसका फाइनल लुक था और जो इसका एंड था तो वो मैं फिर नहीं रिकॉर्ड कर पाई। ऐसा डोंट नो क्यों मेरे साथ होता है कि जब भी मैं रेसिपी एंड कर देती हूं तो वो आखिरी जो क्लिप्स होते हैं तो वो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, या तो बच्चों की वजह से कोई ऐसे काम में लग जाती हूँ, या बच्चों के साथ लग जाती हूँ, या फिर जो है वो मेरे जहन से बस निकल ही जाता है कि मैंने तो वीडियो भी बनानी थी। तो जी खैर कोई बात नहीं है, आम सी मैं रेसिपी बना रही हूँ, और जैसे हर रोज़ की तरह आज भी बिल्कुल ही सिंपली बना रही हूँ पालक। लेकिन मज़े की बात ये होती है इसमें, देखिए मैं पहले से तड़का नहीं लगाती हूँ, उससे पहले तड़के से पहले जो होते हैं ना, मैं लहसुन को फ्राई कर देती हूँ, इसी तरह बहुत मज़े का उसमें से फ्लेवर आता है और टेस्ट इतना अच्छा बनता है, यूँ लगता है जैसे ऊपर किसी ने लहसुन वाला वो लगा दिया हो, बघार किया हुआ। तो ये है कि सब्ज मिर्ची मैं डालूँगी, और इसमें मैं और कोई चीज़ नहीं डालूँगी, सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज मिर्ची प्याज टमाटर, बस मैं इतनी डालूँगी। थोड़ी सी हल्दी मैं डाल दूँगी इसमें से, बाकी स्पाइसेस मैं नहीं डालती हूँ आज। तो आज मैं इसी तरह का साग पका रही हूँ, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा, इस तरह का भी पकाइएगा, आप लोगों को बहुत। और जो भी साग पकाते हैं, तो पालक होगी या कोई और भी इस तरह की जो सरसों का होता है, उससे पहले ही आप लोग उसमें से लहसुन डाल दिया करें, फ्राई कर दिया करें प्याज से पहले, तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा जी, तो यही भी बात होती रहेगी, मौसम की भी हाल अहवाल यही है कि बारिश बहुत होगी, 14 अगस्त अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छा गुजरा है। तो मनाना क्या होता है, हर किसी के दिल में एक खुशी होनी चाहिए और हमारे अपने मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए, और बस यही हमारी सेलिब्रेशन होती है। ज़रूरी तो नहीं है कि हम इसी तरह छतों पे जाएं, और सजाना तो चाहिए, मतलब वो भी सेलिब्रेशन का एक इजहार ही होते हैं, लेकिन अगर जो लोग नहीं कर पाते तो किसी वजह से, तो ये बात नहीं होती कि उनके दिल में कोई अपने वतन के लिए, कंट्री के लिए कोई प्यार मोहब्बत और जज्बा नहीं होता। यकीन हम सब पाकिस्तानी हैं, बीइंग पाकिस्तानी हमें तो बहुत ही खुशी है इस बात की, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र भी हम अदा करते हैं इस बात पे, जितना भी शुक्र अदा करें कि हम एक आज़ाद कौम है। तो जी आज़ादी जो है ये सबसे बड़ी नेमत है, तो जी हमें इस आज़ादी का जितना भी शुक्र अदा करें ना, वो बिल्कुल ही कम है। यहाँ पर जो है मेरे बेटे की बर्थडे थी, और बर्थडे क्या थी, बस ऐसी मतलब कोई नहीं, इतनी ख़ास सेलिब्रेशन नहीं हुई है। तो मैंने केक जो है वो घर पे बनाया था, क्योंकि वो जो है बाहर से कोई लाने वाला नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो, हस्बैंड तो गए हुए थे जॉब पे, और मैंने कहा चलो घर पे ही केक बना देती हूँ, और इतना अच्छा परफेक्ट केक बन गया था। मैं पहले भी केक बनाती रही हूँ, लेकिन वो मैं स्क्वायर बनाती हूँ और टिन में बनाती, वो जो रेक्टेंगल होता है वो वाला बनाती हूँ। आज जो है आज मैंने राउंड बना दिया, और वो भी यूं वाला से गोल सा, ये वाला डेज का था मेरे पास छोटा सा, तो मैंने इसमें से केक बना दिया। यकीन करें आज इतना परफेक्ट केक बना था, इतना मज़े का, कि मैंने इतना मज़े का केक पहले कभी नहीं खाया था, जितना अच्छा और इतना ज़्यादा होता है ये, इसकी क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा होती है, और मतलब थोड़ी सी चीज़ें में इसमें से मैंने सिर्फ 3 eggs डाले हैं, और मेरे पास सिर्फ 3 थी तो मैंने 3 eggs डाले हैं, और 2 cups जो है वो मैंने इसमें से आटा डाला है, क्योंकि मैदा नहीं था, तो मैदे वाला तो होता तो फिर और ये कि मैंने गर्म जो होते हैं ना दूध डाला है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना था।
तो क्रीम जो है, क्रीम मेरे हस्बैंड जो थे वो रात को आ गए, तो मैंने पहले बता दिया था कि आप क्रीम अपने साथ ले आएँ, क्रीम ले आएँ। तो कैंडल तो मैं भूल ही गई थी, तो कैंडल नहीं लाए। तो मेरा बेटा बैठ गया, जो हम केक काटने लगे वो कह रहे थे कि ये कैसी बर्थडे है, इसमें तो कैंडल्स ही नहीं है, और ये बर्थडे मैं नहीं करता हूँ, मेरी वो वाली बलून्स भी नहीं है, और जो है, और माशाल्लाह ये तो वैसे ही खुश होता है जैसे कोई सेलिब्रेशन हो या ना हो, मतलब बच्चे ऐसे ही खुश होते रहते हैं हर टाइम, थोड़ी सी भी कोई बात करो ना, कोई थोड़ी सी भी कोई ऐसे कोई और सा काम करो तो वो खुश ही होते हैं, मतलब हर टाइम छोटी छोटी बातों पर बच्चे खुश ही हो जाते हैं। जो थोड़े से समझदार होते हैं वो फिर इसी तरह बोलते हैं कि ना बलून्स है तो ना जो है इसमें कैंडल्स है, तो ये बर्थडे मैं नहीं करता हूँ, आज वैसे ही केक खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज वैसे ही केक खा लेते हैं, फिर इंशाल्लाह किसी टाइम सेलिब्रेट कर देंगे। लेकिन हर टाइम हर साल इसी तरह होता है, हम कहते हैं फिर कभी सेलिब्रेट कर देंगे, तो सारों को बुला के तो गाँव से, तो फिर हम करेंगे बर्थडे आपकी करेंगे, फिर इसी तरह करते करते वो बर्थडे रह जाती है। तो आज माशाल्लाह 14 अगस्त है, और इसकी बर्थडे जो है वो 15 को है, लेकिन ये कि मैं 15 को नहीं मनाती हूँ, मैं हमेशा 14 को ही इसकी बर्थडे करती हूँ, और इसी तरह ही सिंपल कर देती हूँ। तो ये वाली व्हिपिंग क्रीम अच्छा तो ले आई थी 1 kg के पैक में, तो इतना ज़्यादा कोई अच्छी इसकी क्वालिटी नहीं है इस क्रीम की, और ये कि बच्चे बस खुश हो गए, और ये काफ़ी ज़्यादा हो गई, जब मैंने व्हिप कर दी तो काफ़ी ज़्यादा बन गई है अगले दिन। और बच्चों ने कहा कि इसकी आज हमें आइसक्रीम भी क्रीम लाई है, तो इसकी आइसक्रीम भी बना के दे दे, तो फिर इसके बाद मैंने आइसक्रीम बनाई है, वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो जी ये इसका नेम है, और ये देखिए ये भी अच्छी अच्छी वाली क्रीम है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो अच्छी कर लेते हैं। तो जी अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो अभी स्किप नहीं की है तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, और इसको फुल वॉच कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल पता नहीं सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं आते, और व्यूज़ तो थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन जो सब्सक्राइबर है वो बिल्कुल भी नहीं आते, मतलब न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल पर आ रहे होते हैं, पर सब्सक्राइबर जो है वो नहीं आते, मतलब कोई सब्सक्राइब नहीं करता चैनल को। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करने से आप लोग क्या होता है, ये बिल्कुल ही फ्री है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये हमारी मोटिवेशन का भी एक हिस्सा है। तो अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, इस तरह हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाएँगे, और कोशिश करेंगे उसमें और इम्प्रूवमेंट करें वीडियोस में, और ये है कि वीडियो क्वालिटी भी अच्छी करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास दो प्लास्टिक वाले जो छोटे बॉटल्स होते हैं वो पड़ी हुई थी, उसको मैंने काट के, तो इस तरह ये स्टिक्स पड़े हुए थे, तो मैंने यही वाली क्रीम जो व्हिप क्रीम होती है व्हिप की हुई थी, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, उसी को मैंने डाल दिया इसी तरह बॉटल्स में, और ये मैंने फ्रिज में से रखी है, और फ्रिज भी काफ़ी मैसी हो गया है, तो इसको भी इंशाल्लाह ताला मैं साफ़ कर दूँगी। और ये है कि आज हमारी मोटर ने भी अजीब सा ड्रामा कर दिया कि सुबह से चली नहीं, फिर इसके लिए दूसरी हमने प्लम्बर को बुलाया कि अल्लाह करे कि ठीक हो जाए, क्योंकि पानी का यही सोर्स है हमारे घर में, वाटर सप्लाई हमने कनेक्शन कराया, लेकिन वो वाला पानी नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आता, लेकिन वो कि वो पानी जो है वो ख़त्म हो गया, अभी कनेक्शन हमने कराई थी, मैंने वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी जब हमने न्यू कनेक्शन कराई वाटर सप्लाई के लिए, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ ये एक बोर है, और ये भी अल्लाह का इतना करम है हमारे ऊपर कि ये बोर जो है